समय में यार कहां से शुरू करूं, लेकिन वहीं से शुरू करता हूं जहां पे रतन लाल जी ने भी खत्म किया करीब। उन्होंने कहा कि शत्रुघ्न सिन्हा को जो मैं जानता हूं, बेलछी के कांड का जिक्र तो खत्म करूंगा बाद में, लेकिन उन्होंने कहा जहां तक जानता हूं ये तो दबंग भी हैं और कभी झुके नहीं, कभी डरे नहीं, कभी रुके नहीं, काफ़ी तारीफ की उन्होंने। तो झुके नहीं, डरे डरे नहीं, रुके नहीं, उसके पीछे तो शायद ये पंक्तियां हो सकती हैं कि चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए वही चंचल। मेरी तो कोई मांग नहीं है, मेरी कोई चाह नहीं है। हालांकि इसके पहले जब भी कुछ बोलता था तो लोग एक मोटिव लगा देते थे, कहते थे हाँ मंत्री नहीं बनाया गया इसलिए ऐसी बातें कर रही है। अरे मंत्री, अब तो ना इच्छा है ना ही अपेक्षा है, और मंत्रियों की यार क्या औकात है, 90% मंत्रियों को तो आप पहचानेंगे नहीं, पता नहीं इसी में कुछ बैठे होंगे, उनको आप जानते भी नहीं होंगे, और जिनको जानते हैं पहचानते हैं उनको आप मानते नहीं हैं। अभी तो खुशामदीद लोगों की एक टोली है, हर जगह साथ साथ चल रही है, अब खुशामदीद लोगों की टोली है, बस किसी तरह से वो बनाना नहीं चाह रहे, बढ़ाना नहीं चाह रहे, बल्कि अपने आप को सिर्फ बचाना चाह रहे हैं, बस किसी तरह से। हे प्रभु, अल्लाह ताला का फजल रहे, बाबा गुरु का आशीर्वाद हो कि हम किसी तरह से बस अपनी जगह टिके रहें, बचे रहें, बस इनकी कृपा दृष्टि हम पे बनी रहे। ये आलम है, उस आलम में क्या करना है, मैं इसके लिए थोड़ी आया था, मैं तो जयप्रकाश नारायण जी से प्रभावित होकर आया था हेल्दी पॉलिटिक्स की ओर, हेल्दी पॉलिटिक्स, ये कहकर नहीं आया था कि न जीऊंगा न जीने दूंगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा, नहीं कहा मैंने, वहां तक कोई पहुंचा ही नहीं। और मैं इस वक्त जो आपके सामने बात कर रहा हूं या करने जा रहा हूं, समझिए कि मन की बात तो कर नहीं सकता हूं, मन की बात पे तो पेटेंट किसी और का है, तो मैं दिल की बात करूंगा आपके सामने, दिल की बात करूंगा। और दिल की बात शुरुआत करने से पहले औपचारिकता का निभाव हो तो अच्छा रहेगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे भारत के महान नेता, मार्गदर्शक, संघर्ष और सफलता के प्रतीक, हमारे भाई और बहुत ही लोकप्रिय सांसद, भूतपूर्व और अभूतपूर्व भी हो जाएंगे, जब हो जाएंगे तब भी मैं कहूँगा मेरे भाई हैं और ऐसे हैं शरद यादव जी, उनको हमारे अपने येचुरी जी जैसा व्यक्तित्व मैं समझता हूँ सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी में नहीं किसी भी पार्टी में, ऐसा व्यक्तित्व गजब का अभूतपूर्व व्यक्तित्व है, वैसे व्यक्तित्व के धनी येचुरी जी, जिनकी मैं आज से नहीं शुरू से कमेटी में था इनके साथ, ये चेयरमैन थे, आज कमेटी में मैंने उसी कमेटी में हूँ, ये चेयरमैन नहीं है, इनको बहुत मिस करता हूँ, इनकी कमी हमेशा खलती रहती है और हमेशा खलती रहेगी। ऐसे येचुरी जी को मैं दिल से, मन से नहीं दिल से, एकदम बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे मंच पर बैठे हुए, लेकिन इनको भी जाना है, इनके किसी बहुत ही परिवार के यहाँ को क्षति हुई है और ये जाएंगे, तो इसलिए मैं उनको पहले प्रणाम कर दूँ, उनको धन्यवाद दे दूँ, उनको बधाई दे दूँ, साधुवाद दे दूँ कि ये हौसला अफजाई के लिए इस घड़ी में जब भारत जिस दौर से गुजर रहा है और जिस दौर से गुजर रहा है जहाँ कुछ भी कहना या तो आप सरकार के पक्ष में कहें और कहते हुए दिखें, और नहीं दिखने का मतलब है कि कई लोग समझते हैं कि आप एंटी नेशनल हो गए। हालांकि आप लोकतंत्र की बात करें, अनेकता में एकता, पूरे देश में अलग अलग प्रांत से लोग आते हैं, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग होते हैं, लेकिन सबके माँ बाप, सब माँ बाप जैसा प्यार करते हैं अपने मुल्क से, अपने वतन से, अपने देश से, अनेकता में एकता। लेकिन आजकल कुछ ऐसा माहौल बना हुआ है जिसके बारे में आपको शरद जी के बाद में बताएंगे ही, तो उस माहौल में आज बहुत ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, अक्रोध, आक्रोश आ गया है कि या तो आप मेरे साथ हैं नहीं तो आप दिल देश के खिलाफ। ये क्या मतलब है, एंटी नेशनल कैसे हो,
इसलिए ऐसे माहौल में येचुरी जी, शरद यादव जी और खासकर हमारे अनवर भाई के लिए, अनवर भाई के समर्थन में, उनके किताब के विमोचन में, भारत के राजनेता सुमन जी जिसके संपादक हैं, जिस पब्लिशर ग्रुप ने इस हिम्मत के साथ इस बात को लेकर आगे आए हैं, उनका साथ देने आए हैं। और मैं भी इसीलिए इन्हीं अनवर भाई को, जिनकी इतनी कदर करता हूँ, इतना मानता हूँ, इतनी अच्छी तरह से जानता हूँ, बहुत ही ज़्यादा इनको मानता हूँ, और इस अनवर भाई के लिए मैं यहाँ पे आज उपस्थित होकर इन सबको प्रणाम कर रहा हूँ। कंवर साहब को, राजा साहब को, राजा साहब के महाराजा यानी राजा साहब की महारानी, महारानी साहिबा को, उनको भी मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत उनका, उनकी ओर बहुत मार्गदर्शन की दृष्टि से देखता हूँ। ये लोग समाज को आगे बढ़ाने वाले हैं, समाज को चलाने वाले हैं, समाज को मजबूत करने वाले हैं, जैसा डी राजा जी ने खुद कहा। और सबसे ज़्यादा कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के इस माहौल में और खासकर इस हॉल में जो आप लोगों की उपस्थिति देख रहा हूँ, आप लोगों की जागरूकता देख रहा हूँ, आपका अनुशासन देख रहा हूँ, आपका प्यार देख रहा हूँ, वो बेमिसाल है, काबिले तारीफ है। अब यहीं से अगर बात आगे बढ़ाई जाए तो एक तो जो माहौल पे मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं और जिसके बारे में रतन लाल जी ने इतने जोर से कहा भी, उसके मामले में अगर चंद पंक्तियां कहूं तो बिल्कुल सटीक बैठे कि अब किसी को भी नजर आती नहीं कोई दरार, अब किसी को भी नजर आती नहीं कोई दरार, घर की हर दीवार पे चिपके हैं इतने इश्तहार। मैं बहुत कुछ सोचता रहता हूं पर कहता नहीं, बोलना भी है मना, सच बोलना तो दरकिनार। इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं, इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं, आदमी या तो जमानत पे रिहा है या फरार। इसलिए कई बार ऐसा लगता है कि रौन के जन्नत जरा भी मुझको रास आई नहीं, रौन के जन्नत जरा भी मुझको रास आई नहीं, मैं जहन्नुम में बहुत खुश था मेरे परवरदिगार। ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, क्या चल रहा है उस समय जबकि देश में एक तरफ डेवलपमेंट के मुद्दे की बात हो रही है, आर्थिक उन्नति की बात हो रही है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस की बात हो रही है, और उसी तरह दूसरी तरफ क्या हो रहा है, गो हत्या, गो रक्षा, विजिलेंटिज्म, ये क्या हो रहा है। क्या जैसा राजा जी ने कहा, इंटेलेक्चुअल्स मारे जा रहे हैं, जर्नलिस्ट मारे जा रहे हैं, अब तो जजेस भी मारे जा रहे हैं, और किस कारणों से मारे जा रहे हैं, उन पर रोशनी डालने की कोई हिम्मत नहीं, अखबारों को छापने की, ज्यादा ज्यादा अखबारों को हमारे दोस्त जो है उनको छापने की हिम्मत नहीं, और हिम्मत है तो उनके मालिकों से आदेश आ जाता है, क्योंकि आजकल धन शक्ति जो है वो जन शक्ति पे भारी पड़ा हुआ है। और अगर हम जैसे कुछ लोग सामने आते हैं तो हमें या तो मोटिव दिया जाता है या तरह तरह के सवाल किए जाते हैं। अभी हाल में ही मैं मनीष तिवारी, हमारे कांग्रेस के नेता हैं, उनके ये बुक का, बुक प्रकाशन नहीं है, उसकी समीक्षा थी यहीं पे इंडिया हैबिटेट सेंटर, मैं भी था, बहुत सारे लोग आए थे। उसके पहले जिस जिक्र बुक का जिक्र किया, बेस्ट सेलर का, एनीथिंग बट खामोश, जिसमें मेरे संघर्ष की यात्रा, मेरे पैशन की बात है, मेरे ड्रामा की बात है, मेरे ह्यूमर की बात है, मेरे सो कॉल तथाकथित अचीवमेंट्स की बात है, जीरो से हीरो बनने की प्रक्रिया है, एक ऐसी किताब है एनीथिंग बट खामोश जो पहली बार सामने आई है और बेस्ट सेलर हो गई, इसलिए भी कि फिल्मों की सफलता के बाद राजनीति में आना, राजनीति में भी एक आयाम की पहली बार कैबिनेट मिनिस्टर पूरे फिल्म इंडस्ट्री से किसी का बन जाना, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह रही है उस किताब में कि दोनों में कोई गॉडफादर नहीं, दोनों फिल्म में, फिल्मों में कोई दूर दराज के रिश्तेदार का साया भी नहीं, और पॉलिटिक्स में दूर दराज के रिश्तेदार का साया, कोई एमएलसी नहीं, कोई कॉरपोरेटर नहीं, कोई रिश्तेदार कहीं नहीं।
یعنی آپ کہہ سکتے ہیں جیسے میں اس وقت کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل واہگرو کی عظیم کرپا پربھو کی اسی انوکمپا یا سیلف میڈ مین بننے کی پرکریا نے وہ مقام حاصل کرایا آپ لوگ کے آشیرواد سے آپ لوگ کے سہیوگ سے اور اس لیے اس کتاب کے ویموچن میں جو تھا Anything پر خاموش وہاں بھی وہ سوال پوچھا گیا تھا اور اس سے ملتا جلتا سوال منیش تیواری کے فنکشن میں بھی پوچھا گیا تھا انہوں نے کہا صاحب آپ آج کل اکنامکس پہ کیسے بول رہے ہیں فلم والے ہیں آپ نوٹ بندی پہ خلاف آپ نے بولا آپ نے جی ایس ٹی کے خلاف بولا ہم نے کہا خلاف بولا لوک تنتر ہے سب کو بولنے کا ادھیکار ہے ماننا نہیں ماننا آپ کی بات ہے لیکن بولنے کا تو ادھیکار ہے کہتے پر وہ تو ٹھیک ہے بھیا لیکن آپ اکنامکس پہ کیسے بول سکتے ہیں آپ کیسے بول رہی اکنامکس پہ جی ایس ٹی نوٹ بندی آپ ہی بتائیے گا کون سی ہوتا ہے نوٹ بندی سے بہت فائدہ ہوا ہے نوٹ بندی سے بہت فائدہ ہوا میں دور بجے سن نوٹ بندی سے بہت فائدہ ہوا نوٹ بندی سے فائدہ ہوا ارے لوگ بے روزگار ہو گئے فیکٹریاں بند ہو گئی ایسی تیسی ہو گئی پروڈکشن کم ہو گیا 25% پروڈکشن تو ایوریج کم ہو گیا 50-60% روزگار تو ایسے چلے گئے چھوٹے چھوٹے ویاپاری مدھیم ورگیہ ویاپاری رہڑی والے پٹری والے کپڑے ویاپاری سب تباہ برباد ہو گئے نیست و نابود ہو گئے بہت حد تک ایسے لوگوں کے بارے میں ہم بات نہیں کریں یوواؤں کو روزگار یوواؤں سے روزگار چھن گیا اور جو باتیں ہوئی کہ ہم نے کہا 5-5 کروڑ 3-3 کروڑ روزگار دیں گے 3 لاکھ تو دے نہیں سکے 1 کروڑ بڑی مشکل سے جگاڑ لگا کے پہنچے ہیں ابھی تک اتنے سالوں میں کتنے روزگار ہونے والے تھے وہ روزگار ہونے سے پہلے ہی بند ہو گئے نپ دو بٹ ان دا بگننگ تو میں یوواؤں کی بات نہیں کروں کسانوں کے آتمہتیاں اس طرح سے ان کی بات نہیں کروں روز بے روزگار کی بات نہیں کروں یوتھ کی بات نہیں کروں ینگر جنریشن کی بات نہیں تو لعنت ہے میں پھر کس لیے راجنیتی میں ہوں صرف خوش آمد کرنے کے لیے ہوں اور پھر جب تو میری کوئی مانگ بھی نہیں ہے تو کائے کو بھائی کہ وہ تو ٹھیک ہے تھوڑا کنوینس تو ہم نے جی ایس ٹی کمپلیکیٹڈ ہم نے کہا نوٹ بندی اس کے اوپر جی ایس ٹی مجھے صاف لگتا ہے نیم کے اوپر کریلا یہ سونے پہ سہاگا نہیں یہ نیم پہ کریلا ہے تو میں نے اگر اپنی رائے رکھی ہے تو غلط بات کیا ہے ہم نے یشونت سنہا کا ساتھ دیا کہ یشونت سنہا جی نے بہت ہی اسٹیٹس مین ہیں بہت انٹلیکچوئل ہیں بہت پڑھے لکھے ہیں بہت قابل ہیں بہت انوبھوی ہیں انہوں نے دنیا دیکھی ہے اور انہوں نے جو باتیں لکھی ایک کا جواب ہم نہیں دے پا رہے ہیں تو انہوں نے بتایا ہے پھر بھی انہوں نے ہم کہا کہ 2019 میں حالات ہم لوگوں کے لیے بہت مشکل ہوں گے تو میں نے کہا ٹھیک ہے وہ شاہ رخ خان کے ڈائلگ کی طرح حالات مشکل ہوں گے ابھی بھی کوشش کیجیے تو ناممکن تو نہیں ہوں گے مشکل ہو سکتے ہیں ناممکن نہیں کوشش تو کرو آپ ان کی بات سمجھو تو صحیح سنو تو صحیح برش اسائڈ کر دیں گے خوش آمد کے چکر میں تو بیڑا غرق ہو جائے گا تو انہوں نے کہا لیکن پھر بھی آپ بتائیں تو فلموں کے ہیں اکنامکس آرتھک معاملے میں آپ اتنے جانکار کیسے ہوتے ہیں غضب کا معاملہ ہے بھائی ایک وکیل بابو جو ہیں وہ فائنانس کی بات کر سکتے ہیں ارتھ ویوستھا میں بات کر سکتے ہیں وکیل بابو ایک ٹی وی کے ایکٹریس جو ہیں ٹی وی کے ایکٹریس وہ ایچ آر ڈی منسٹر بن سکتے ہیں ماحول پیدا کر دیا اس لیے میں آج یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ انوار علی بھائی نے جیسے کتاب لے کر سامنے آئے ہیں اتنے دمخم کے ساتھ سمن جی اور ان کے تمام سمرتھک پرشنسک اور پرکاشک ہیں لیکن آئے سب بہت بدھائی کے پاتر ہیں اور میں اس من سے یہ کہتا ہوں کہ جہاں بھی ہوں انیکتا میں ایکتا یاد ہے جہاں بھی ہوں جس حال میں ہوں منتری ہوں کہ سنتری ہوں لیکن ہوں میں آپ کا تھا آپ کا ہوں اور آپ کا رہوں گا بہت بہت بدھائی ہمارے اس بھائی کو پستک کا پرموشن کرنے میں مجھے بہت گرو ہو رہا ہے اور خاص کر آپ جیسے لوگوں سے مل کے اس ماحول میں بہت اچھا لگ رہا ہے گھر میں آپ لوگ زندہ باد آپ کا گھر بار ویاپار پریوار زندہ باد جائے ہند
हमेशा खुश रहें।